दो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, पहला रांची के नामकुंभ में और दूसरा गोड्डा में। दरअसल इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत करेंगे। इसी के मद्देनजर ये झारखंड में कार्यक्रम होंगे। सभी जिले, प्रखंड और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के 92% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। पांच मार्च को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर झारखंड में राज्य स्तरीय दो कार्यक्रम होंगे। एक कार्यक्रम रांची के नामकुम में और दूसरा गुड्डा में श्रम विभाग आयोजित करेगा। राज्य के सभी जिले, प्रखंड और स्थानीय स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे। राजधानी के प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार पूरे जोर शोर से इस योजना का लाभुक को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दृष्टि से राज्य सरकार काम कर रही है। झारखंड के 95% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक लाभों को लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है। जिनकी आमदनी 15,000 रूपए मासिक होगी, ऐसे 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो मजदूर है, जो गरीब है, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, खोमचे वाले हैं, मनरेगा के कर्मचारी हो, किसान, इतने सारे लोग इस योजना से लाभ उनको मिल सकता है। दरअसल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी नियमित पेंशन की सौगात सरकार देने जा रही है। इसके तहत नियमित पेंशन योजना के लिए 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक मासिक अंशदान देना होगा। उतनी ही राशि राज्य सरकार अंशदान करेगी। 60 वर्ष की अवस्था में लाभुक को 3,000 रूपए मासिक पेंशन मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने इस बीच मजदूरों और गरीबों के हितों को लेकर पीएम के प्रयास की सराहना की, विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने 2 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी रांची आए या कहीं जाएं, कांग्रेस डूबता हुआ संगठन है। अब कांग्रेस के शहजादे रांची जाए, जम्मू जाए, कश्मीर जाए, दिल्ली जाए, जाना चाहिए। ये डूबता हुआ कांग्रेस, आईसीयू में कांग्रेस कोई कितना ऑक्सीजन दे पाते हैं, अभी हम देखेंगे। जाहिर है मौका चुनावी है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर जैश के ठिकानों पर हमले के फैसले को लेकर पीएम की मजबूत इच्छा शक्ति की तारीफ की। और मजबूत इच्छा शक्ति जिन्होंने सेना को खुली छूट दी थी, हम अपने वीर सेना जवानों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बहरहाल झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने विकास मॉडल के जरिए और डबल इंजन की सरकार के बूते फिर से राज्य में सत्ता का समीकरण साधने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि करीब 7 दशक बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपने बुढ़ापे में महज सरकारी पेंशन की आस नहीं, बल्कि अपनी कमाई का अंश भी देखने को मिलेगा, सम्मानजनक अंश। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।